चले चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हैंड स्टैंड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और हैंड स्टैंड के साथ आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि हैंड स्टैंड के साथ साथ आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को हैंड स्टैंड के साथ घुमा कह सकते हैं किसी भी एंगल में, 180 एंगल में, या राइट लेफ्ट साइड कैसे घुमा सकते हैं, राइट साइड कैसे घुमा सकते हैं हैंड स्टैंड के साथ। तो आपको मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक। एंड तो हैंड स्टैंड के साथ फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए आपको हैंड स्टैंड आना जरूरी है। तो हैंड स्टैंड इम्प्रूव और हैंड स्टैंड कैसे करें, इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई है, और इसके बाद हम बात करेंगे अब कि हैंड स्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको हैंड स्टैंड को इम्प्रूव करना होगा, उसके बाद आपको मैं थोड़े से एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि आप हैंड स्टैंड के साथ फ्लेक्सिबल कैसे कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज है वो आपको मैं बताता हूँ। इन एक्सरसाइजों को करने के बाद आपके बैकबोन में दर्द हो सकती है, तो इनको थोड़ा आराम से करें। तो अगला है वो है क्या है अगला अगले एक्सरसाइज है वो है कि आप किस चीज़ का सहारा लो, या किसी दीवार का सहारा ले लीजिए, उसके बाद आप उसको ट्राई करें। इस चीज़ को आप ट्राई तभी करें जब आपका हैंड स्टैंड जो है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव होगा। तो अब इसके बाद आपको धीरे धीरे से दीवार का सहारा कम लेना है, अपना जो है पूरा बॉडी का वेट है वो हाथों के ऊपर रखना है। इसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करें तभी आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस डेली करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करें कि आप दीवार का सहारा कम लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू एंड मिस यू।